जिला कांगड़ा के सुला हल्के के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धिराक में मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ कैंप का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने किया। दो दिनों तक चलने वाले इस शिविर में मेडिसिन, शिशु, चमड़ी, आंख, ईएनटी, सर्जरी, महिला रोग, रेडियो और हड्डी रोग के विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। धिरन में अल्ट्रासाउंड, ईसीजी सहित सभी प्रकार के टेस्टों की सुविधा तथा निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गयी। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को सुगमता से आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए विशेष प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय शीघ्र ही टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, जिसमें लोग अपनी समस्याएं, शिकायतें, बीमारी की जानकारी और परामर्श संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले सुझावों और शिकायतों को वे स्वयं और प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय निगरानी रखेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महत्वाकांक्षी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आरम्भ की गई है और इस स्कीम में प्रदेश के करीबन 2.5 लाख लोगों को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के जरूरतमंद और गरीब लोगों जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन कर इसमें 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क दवा नीति के अंतर्गत 66 दवाइयां निःशुल्क दी जा रही थी, इन्हें बढ़ाकर निःशुल्क दवाइयों की संख्या को 330 किया गया है और इसके लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए विभाग को आदेश दिए गए हैं। पीवाई में कार्ड बने हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, परंतु अब हमने भी एक योजना शुरू की है, यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। पीछे ना रहें, 365 रुपए लगेंगे, अपने परिवार के 5 सदस्यों के नाम उसमें जुड़ सकते हैं और बीमारी की हालत में फिर हम किसी के आगे लाचार ना होकर के वो कार्ड चलेगा, हमारा इलाज होगा। और इस बजट में और प्रावधान किया गया है, बहुत लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं बीमारी है, बीमार है, पैसा है नहीं, दवाइयों को खरीदने के लिए पैसा नहीं है। दिल तो समय करता है कि जो हमारी जेब में है वो सब कुछ इसको दे दें, देते भी हैं, पर कुछ मामलों में हमारी मजबूरी होती है। हमने मुख्यमंत्री राहत स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ इस बजट में किया है, 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। हमारे पास एप्लीकेशन आएगी, कुछ जानकारियां इकट्ठी करेंगे, आय से संबंधित एक सर्टिफिकेट लेंगे और उसकी बीमारी पर जितना खर्च होगा वो सीधा स्वास्थ्य मंत्रालय उस व्यक्ति को देगा। ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। शुरुआत है, आगे आगे देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में क्या नया काम करता है। घोषणा की गई है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी शुरू की जाए, अस्पताल बने हैं पर वहां पर प्रसूति नहीं, प्रसूतियां बहुत कम होती हैं, इसलिए इस बार मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की गई। जो बच्चे पैदा होंगे, लड़का हुआ लड़की हुई, उसको एक किट दिया जाएगा। जन्म के बाद एक बच्चे के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उस किट में सब कुछ उपलब्ध होगा। लगभग वो किट जो है वो 1500 रुपए की होगी और लगभग 1 लाख बच्चे इस मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की, चरण क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने धीरा में सप्ताह में 3 दिन रेडियोग्राफर उपलब्ध करवाने के लिए विभाग को आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में इस तरह के 4 स्वास्थ्य शिविरों को आयोजन किया गया है और भविष्य में हल्के अन्य विभागों में लोगों को घर द्वार विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा सुला मंडल अध्यक्ष देश राज शर्मा, महामंत्री चंद्रवीर शर्मा, बीडीसी अध्यक्ष सुनील मेहता, स्थानीय ग्राम पंचायत की प्रधान कविता धरवाल, दीपक नाग, मदन ठाकुर, एसडीएम धीरा संजय कुमार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश गुलेरी, डॉ विनय महासन, बीएमओ भवारना, डॉ सुभाष शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ
चिकित्सक और इलाके के गणमान्य लोग तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मूलभूत परिवर्तन दवाइयां जैसे कहा गया है, श्रीमान आरएस राणा जी कह रहे हैं हम अस्पताल में जाते हैं, ये सरकार के आदेश हैं। पहले 30 दवाइयां मिलती थी, अब हमने 330 दवाइयां कर दी हैं कि एक भी दवाई आपको बाहर केमिस्ट शॉप की दुकान पर लाइन में खड़े होकर के वो दवाई ना लेनी पड़े, आपको 330 दवाइयां जो हैं वो मुफ्त देने का प्रावधान स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। ठीक कहा, कहीं पर अगर गड़बड़ी है तो सीधा संदेश मेरे तक दीजिए, कहीं गड़बड़ी है तो स्वास्थ्य मंत्रालय को उसका व्हाट्सएप कर दीजिए। वैसे मैं जिन भी अस्पतालों का दौरा कर रहा हूं, मरीजों से मिलता हूं, पूछता हूं, अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, हैं कहीं पर कमियां, दवाइयां कुछ नहीं होंगी, वहां पर हमने ये कहा है विभाग से कि जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं वो प्रक्योर करें, ताकि जो सरकार का संदेश है, सरकार ने वायदा किया है, वो वायदा हम हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें। इस बजट में हमने ये भी प्रावधान किया है। भाई और बहनों, बहुत कुछ हो रहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग बढ़िया तरीके से काम करे, आम व्यक्ति को राहत मिले, आम व्यक्ति जो है सस्ती दवाइयां मुफ्त दवाइयों से लाभान्वित हो सके। और हमने प्रदेश के डॉक्टर्स को भी आह्वान किया है कि हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य विभाग में है। वो नाम तभी आगे आया है जब हमारे डॉक्टर्स ने मेहनत की है, और मेहनत के बलबूते पर जो हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों में हम बहुत ऊपर हैं। इसलिए मैं अपने डॉक्टर साहिबान को भी, अपने पैरामेडिकल स्टाफ को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं।